गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस क्लस्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपीपीएससी एएन सिविल की तैयारी करवा रहे हैं, तो मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, कि जो यूपीपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो कुछ इस तरह है कि उन्होंने सिलेबस को दो पार्ट में बांटा है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में उन्होंने चार पांच सब्जेक्ट्स को रखा है, सिमिलरली पार्ट टू में भी उन्होंने चार पांच सब्जेक्ट को रखा है, और हर सब्जेक्ट को उन्होंने एक सेक्शन में बांटा है। तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो उनके पार्ट टू में, मतलब सिविल का पेपर पार्ट टू का सेक्शन डी, इसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को रखा है। अगर आप सिलेबस की तरफ बढ़ें तो उन्होंने सिलेबस को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है। तो पहला जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन फोरकास्ट, ठीक है, या इसी को वाटर डिमांड भी कहते हैं। वाटर डिमांड इसलिए कहते हैं कि किसी सोसाइटी में एवरेज वाटर डिमांड कितना होना चाहिए एक साल के लिए, वो निकलता कैसे है, उस सोसाइटी का हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मतलब कि आने वाले समय में पॉपुलेशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 2020 चल रहा है तो 2030 में क्या पॉपुलेशन होगा वो हम लोग निकालेंगे और एवरेज वाटर डिमांड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे उस सोसाइटी में कितना वाटर एनुअल चाहिए वो निकल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई मेनली है क्या, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में बात करता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग है ए, जिसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये कैसा होना चाहिए। अगर पानी आपको दिखने में ख़राब रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप पानी को नहीं पिएंगे, अगर पानी में कुछ केमिकल्स रहेगा तो वो भी आप नहीं पिएंगे, और अगर उसमें कुछ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ रहेगा वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपके सेहत को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर सकता है, इसलिए उसको हम लोग पीते नहीं हैं। तो वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने तीन भागों में बांटा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे डिटेल्स में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं वाटर सप्लाई के ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट यूनिट होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो डिस्कस करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर होता कौन सा पानी है, जैसे आप घर में नहाए, बर्तन धोए, खाना खाए, टॉयलेट यूज़ किए, उनसे जो पानी निकलता है उनका जो आउटफ्लो होता है वो होता है वेस्ट वाटर, और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसको बिना ट्रीट किए हुए हम कहीं पे किसी सोर्स में छोड़ देते हैं तो वो सोर्स गंदा हो जाता है, और आप अपने रिवर गंगा को देख रहे हैं, ये इसका जीता जाता उदाहरण है कि बिना ट्रीटमेंट किए हम लोग पानी गंगा में छोड़ दे रहे हैं और गंगा दिन पे दिन पॉल्यूट होते जा रही है। खैर, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वेस्ट वाटर है क्या, उसके जैसे वाटर ट्रीटमेंट में वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, सिमिलरली वेस्ट वाटर में भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ये दो चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप, मैंने 3 स्टार मार्क किया है, आप इसे जितना मन चाहे उतना स्टार मार्क कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर एग्जाम में इस सिलेबस का रीड होगा। आगे बढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, कि जो सॉलिड का वेस्ट है उसको कहाँ हम लोग डिस्पोज ऑफ करें, जो भी होगा वो उस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। फाइनली लास्ट इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है वो एयर पॉल्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब दो चैप्टर्स और बच जाते हैं, जिसमें एक चैप्टर है सीवर डिज़ाइन, सीवर डिज़ाइन जो कि आपके हर सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के सिलेबस में मेंशन रहता है, और यहाँ पे यूपीपीएससी ने मेंशन नहीं किया इसे, तो हम लोग एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर जो है जो इन्होंने छोड़ दिया है वो है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी हम लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए कि मेरा सिलेबस क्या है,
और कैसे कैसे हम लोग सिलेबस में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और बात जो इम्पोर्टेंट है यूपीपीएससी को इस बार और एग्ज़ामों से अलग बनाता है वो है इसका ऑब्जेक्टिव नेचर। इस बार एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। तो और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो 10-15% क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का रहता है। अगर आप ईएस ले लीजिए, आप गेट ले लीजिए या कोई भी पीएससी एग्ज़ाम ले लीजिए, इसमें आपका 10-15% जो वेटेज है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का रहता है। तो इस सब्जेक्ट को तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। और बात करें यूपीपीएससी की, तो यूपीपीएससी मुझे ऐसा लगता है कि ईएससी के सिलेबस को फॉलो करेगा, ईएससी के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो अगर आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ईएससी के प्रीवियस ईयर को, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हैं कम से कम 5 बार तो लगाना ही है, मिनिमम 5 टाइम्स। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, कोई भी सवाल छूटे ना। साथ ही साथ एक दो बुक्स और मैं रेफर करना चाहूंगा, गुप्ता एंड गुप्ता, इसे भी आप लगा के जाएं। और तीसरा चीज कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो सारा का सारा क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने जा रहा है। अगर 70% क्वेश्चन थ्योरी होगा तो आप मान के चलिए 20-30% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल होगा। हाँ, अब न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो आपको कैलकुलेटर का नीड नहीं पड़ेगा, कैलकुलेटर का नीड नहीं होगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको उसके फॉर्मूलेज तो याद होने ही चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो आप अगर ईएससी का प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो कैलकुलेटर बेस्ड सवाल मिलते हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि यूपीपीएससी जब पहले मेंस का एग्ज़ाम होता था उस समय भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं करती थी, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं करती थी, कैलकुलेटर अलाउ करती थी लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर जो आप किराना के दुकान में अक्सर पाएंगे वो कैलकुलेटर, वही कैलकुलेटर यूपीपीएससी अपने मेंस में बच्चों को ले जाने देती थी। तो उससे तो ये बात पक्का होता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जो कि जिससे जिसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, है ना। नॉर्मल कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती थी तो नॉर्मल कैलकुलेटर का कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाँ, थ्योरी का पोर्शन तो 70% रहेगा ही रहेगा लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शंस भी रहेंगे 30%। तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ईएससी में भी पूछे जाते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता में भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, लेकिन गेट 2005 से पहले तक के क्वेश्चंस, गेट 2005, इससे पहले तक के क्वेश्चंस को भी आपको लगा के जाने हैं। अगर इतना आप करके जाते हैं तो फिर आपका यूपीपीएससी का इन्वायरमेंटल का जो है एग्जाम, इन्वायरमेंटल का जो पेपर रहेगा उसमें कुछ भी छूटने नहीं जा रहा है, सारा कुछ आप कवर करके जाएंगे। और क्लासेस में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें। चूंकि टाइम कम है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपका सारा का सारा सिलेबस यहां पे एटलीस्ट कवर हो जाए, कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। लगे रहिए, जुटे रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको यूपीपीएससी AN बना के ही छोड़ेंगे इस बार। थैंक यू।